हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे इस नए कोर्स पे फ्रेंड मेरा नाम है अंकुश शर्मु और आज से हम इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसको आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए इसमें आपको बहुत कुछ नए नए टॉपिक्स और नए नए जानकारियां आपको मिलने वाली है तो फ्रेंड हम इस कोर्स में पूरे बेसिक से समझेंगे अगर आपने कभी पियानो यूज़ भी नहीं किया है और आप इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए तो आप ये वीडियो देख के आसानी से सीख सकते हैं हम एकदम जीरो से चालू करने वाले हैं इस वीडियो को और इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कोर्स को पढ़ने के लिए या समझने के लिए मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इस कोर्स को, को मतलब पूरा करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है तो सबसे पहले आपके पास कुछ भी पियानो कीबोर्ड सेंथिसाइजर हारमोनियम कुछ भी हो वो आपको होना जरूरी है क्योंकि सभी की फंक्शन सेम होते हैं सभी में आप देखोगे ये ब्लैक बटन और वाइट बटन सभी में होती है भले आवाज़ कुछ भी हो लेकिन जो फंक्शन है और जो उसका वो स्वर है सुर है वो एक ही होता है सिर्फ आवाज़ की डिफरेंस होती है तो वो आपके पास होना ज़रूरी है और ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास महंगा वाला है सस्ता वाला है छोटा है बड़ा है कुछ भी हो आपके पास सिर्फ एक पियानो या कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए या हारमोनियम कुछ भी हो आप किसी में भी सीख सकते हैं अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप मोबाइल पे जो ऐप आती है मोबाइल पे ऐप है जो उसके थ्रू भी आप आसानी से सीख सकते हैं लेकिन हम अगर आगे जाएंगे कोर्स में अगर हम कॉर्ड पे जाएंगे तो वो पियानो मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल का जो ऐप है पियानो ऐप वो कॉर्ड्स के लिए काम नहीं आएगा क्योंकि तो उसमें सिर्फ हम सिंगल हैंड से हम यूज़ कर सकते हैं अगर थोड़े दिन आपको बेसिक सीखना है तो वो चलेगा लेकिन अगर आपको कॉर्ड सीखना है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा उसके उसके लिए आपको एक छोटा या बड़ा कुछ भी हो आपके पास एक आ, पियानो या कीबोर्ड होना चाहिए और दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके पास नोट्स के लिए कॉपी और पेन अगर मैं आपको ये वीडियो बताता हूँ अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास कॉपी uh, और पेन होना चाहिए जिसमें आप अपने लिए अपना नोट्स तैयार करें क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद मैं तो नोट्स देने ही वाला हूँ लेकिन वो मेरा नोट्स होगा वो आपके समझने के लिए हमेशा काम आएगा लेकिन जो आप अपना समझ के खुद अपना नोट्स तैयार करते हैं वो समझने में ईजी होता है तो आप अपना पेन कॉपी में अपना नोट्स तैयार कीजिए वीडियो देख के अपने हिसाब से उसके बाद मैं तो नोट्स देने ही वाला हूँ इस कोर्स में जो भी हम यहाँ कवर करेंगे ये हो गया रिक्वायरमेंट उसके बाद मैं इस कोर्स के बारे में ब्रीफ़ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ छोटा सा कि इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं तो फ्रेंड आज से ये कोर्स स्टार्ट हुआ है तो हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिक देखेंगे कि की, कीबोर्ड के की फंक्शन क्या है की इसमें क्या क्या होते हैं क्या इसको बोला जाता है और ये जो है वो इंडियन म्यूज़िक मतलब जो इंडियन भारतीय संगीत है क्लासिकल म्यूज़िक भारतीय संगीत उसके हिसाब से भी होगा और वेस्टर्न म्यूज़िक के हिसाब से भी होगा तो आप दोनों के हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और जो भी कंफर्टेबल लगे आपको उसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं और हम जो आगे कॉल्स देखेंगे तो कॉर्स जो रहेगा वो वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से ही होगा क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक में कॉर्स यूज होते हैं ज्यादा इस पे भी होते हैं भारतीय संगीत पे पर वेस्टर्न म्यूजिक जो कॉर्स है वो बाहर की परंपरा है तो उसके हिसाब से हम वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखेंगे और वेस्टर्न म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान देंगे ये क्लासिकल म्यूजिक या भारतीय संगीत भी सीखना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि आ, हम भारत के हैं तो हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जानकारी आपको सब मिलने वाली है तो आप सभी को समझें सभी को सभी पर आप अच्छे से अपनी जानकारी को ट्राई करें तो फ्रेंड देखिए हम क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ तो हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद इसके जो म्यूजिक थ्योरी के बेसिक्स है सुर है स्वर है अलंकार है इसको मतलब दोनों के हिसाब से करेंगे वेस्टर्न और इंडियन दोनों के हिसाब से उसके बाद हम स्केल करेंगे स्केल को अच्छे से समझेंगे कैसे निकालते हैं क्या होता है स्केल वो सब देखेंगे स्केल के बाद हम इसके जो बेसिक फंक्शन है टेम्पो स्टाइल कैसे सेट कर सकते हैं इसकी बीट इसकी जो बीपीएम होती है वो क्या होती है टेम्पो की वो सब अच्छे से हम देखने वाले हैं उसके बाद हम जाएंगे कॉर्स पे और टॉपिक कवर होने के बाद आपको हर दसवें दिन में एक क्विज आपके पोर्टल पे मतलब जो आप यहाँ देखते हैं जो साइड पे लेसन वाला लिस्ट है उस पर क्विज आएगा हर टेन डेज पे तीन क्विज रहेंगे इस पे अगर आप थर्टी डेज वाला इनरोलमेंट किए हैं और अगर आप ट्वेल्व डेज वाले इनरोलमेंट किए हैं तो वो आपको एक क्विज होगा हर दसवें दिन में तो आप उसे क्विज को आप मतलब सॉल्व करके आप अपना जो भी आप पढ़े हैं सीखे उसके बारे में आप वहाँ से रिजल्ट पा सकते हैं कि आपने कितना सीखा आपने कितना समझा तो वो आपको दिखाएगा कि आप पास है फेल है वो क्विज में बताएगा और मैं क्विज का भी आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि इसका पासिंग मार्क्स क्या है वो सिर्फ आपको दिखेगा आपका रिजल्ट आप अपने नीचे क्विज वाले सेक्शन पे आप देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं इस कोर्स को और कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो आप वीडियो पूरा देखें थोड़ा भी आप इसको स्किप ना करें अगर आप इसे स्किप करते हैं तो आधी अधूरी जानकारी लेकर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको फिर बाद में और समझने में दिक्कत होगी इसलिए जो भी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ वो आप पूरा देखिए उसको समझे अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो लेसन के बाद आपको बगल में क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेक्शन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके वहाँ आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको कोर्स रिलेटेड डाउट होगा और फ्रेंड ये डे वन की कोर्स है उसका नोट्स मैं आज नहीं दे रहा हूँ डे वन और डे टू का नोट्स मैं एक साथ कल आपको अपलोड कर दूंगा ठीक है फ्रेंड तो ये है कोर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम क्या क्या करने वाले हैं अब देखते हैं हम अपने इस की बोर्ड पे आगे की जो जानकारी है आगे की जो इंफॉर्मेशन है तो फ्रेंड हम अपने कीबोर्ड पे आ चुके हैं तो सबसे पहले मैं कोर्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ से मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि इसे हम कीबोर्ड बोलते हैं पियानो बोलते हैं केसियो बोलते हैं सिंथेसाइजर बोलते हैं इसका एक्चुअल मतलब नाम क्या है वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ वीडियो में बताना चाहता हूँ तो फ्रेंड देखिए जो पियानो होता है वो आपने देखा ही होगा कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा जो बहुत पहले ज्यादा चलन में थे अभी भी है पर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं तो उसको बहुत ही कम लेते हैं लोग ये देख अब यहाँ पे चित्र पे देख लीजिए इसको बोलते हैं पियानो तो वो है पियानो और जो केसीओ है तो बहुत लोगों को मैंने ये, ये भी कहते हुए सुने कि इसे हम केसीओ बोलते हैं लेकिन हम इसे केसीओ नहीं बोलते केसीओ एक कंपनी का ब्रांड है जो केसीओ कंपनी की कीबोर्ड की बनाती है वो अलग चीज है उसके बाद इसे बोलते हैं सिंथेसाइजर बहुत लोग तो सिंथेसाइजर सिंथेसाइजर का जो पहले आता था उसका जब वो लॉन्च हुई थी जब वो इन्वेंट हुई थी तो उसका मेन काम क्या होता था सिंथेसाइजर का कि वो जो साउंड है उसको कंट्रोल करने के काम आती थी जैसे ये मेरे पास है कॉर्ग का कीबोर्ड है यहाँ पे कॉर्ग पी ए थ्री हंड्रेड तो ये एक अरेंजर कीबोर्ड है अरेंजर कीबोर्ड मतलब इसे हम किसी भी तरह से अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं इसके सभी फंक्शंस को तो उस प्रकार से सिंथेसाइजर काम होता था सिंथेसाइजर का काम होता था कि वो अरेंज करते थे साउंड को और वो कंट्रोल करते थे तो वो सिंथेसाइजर उसको बोलते थे और यहाँ पे अभी जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे कीबोर्ड दिख रही जो जो keys है जो कीज है कीज के जो समूह है उसको और ये बोर्ड है उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड तो इसे हम सिंथेसाइजर भी बोल सकते हैं क्योंकि तो ये जो कीबोर्ड है उस पर सिंथेसाइजर के सभी फंक्शन यहाँ पे इस पे दिए हुए हैं इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं सिंथेसाइजर के जैसे अरेंज कर सकते हैं तो इसे हम सिंथेसाइजर भी बोलते हैं लेकिन जो इसका मेन नाम मेन जो इसका नेम है वो है कीबोर्ड तो हम इसे बोलेंगे कीबोर्ड लेकिन हम बोल की भाषा में इसे पियानो भी बोल सकते हैं वो उसका वो अलग चीज़ है लेकिन हम इसे एक्चुअल जो इसका नेम नाम पे जाए अगर इसका हम एक्चुअल नाम पे तो इसे बोलते हैं हम कीबोर्ड उसके बाद देखिए यहाँ पे आप इस पे देख रहे होंगे काले बटन और सफेद बटन इस पे पूरे बोर्ड पे काले बटन और सफेद बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो इसको देख के आपको अगर बेसिक से आप सीख रहे हैं अभी यूज कर रहे हैं तो इसको देख के आपको कुछ समझ नहीं आ हो रहा होगा कि इतने सारे बटन हैं इसे हम कैसे समझेंगे क्या करेंगे तो फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल है देखिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से मैं बाकी बटन पे यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे यहाँ पेपर रख देता हूं तो आप सिर्फ इतने बटन पे फोकस कीजिए पे जो मिडिल वाला पार्ट है इस पे आप पहले आप फोकस तो, तो फ्रेंड सबसे पहले इस बीच भाग पे फोकस कीजिए और इसका सबसे पहले पैटर्न समझिए इसका कीबोर्ड का जो पैटर्न होता है वो देखिए इस प्रकार यहाँ पे है पांच काले बटन दिखाई दे रहे हैं एक दो तीन चार पांच ये पांच काले बटन होते हैं सभी कीबोर्ड पे चाहे वो हारमोनियम कीबोर्ड बोर्ड सिंथिसाइजर आप जो भी बोल दीजिए उस पर सेम पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देंगे यहाँ पे है पांच काले बटन ऊपर में और इसका पैटर्न देखिए यहाँ पे सबसे पहले है दो बटन है उसके बाद यहाँ दो बटन वाइट है उसके बाद यहाँ तीन बटन फिर से ब्लैक है काले कलर की तो ये जो पैटर्न है इसको भारतीय संगीत में हम बोलते हैं काली काली बटन बोलते हैं जैसे ये है पहली काली यहाँ पैटर्न से यहाँ देखिए दो बटन पहले है तो इसे हम भारतीय संगीत में बोलते हैं पहली काली इसको बोलते हैं दूसरी काली इसको बोलते हैं तीसरी काली ये होती है चौथी काली और ये होती है पांचवी काली ठीक है तो ये हो गया भारतीय संगीत के हिसाब से इन बटनों के नाम उसके बाद यहाँ सफेद बटन जो नीचे में दिए हैं उसको काउंट कीजिए ये यहाँ से चालू हो रहे हैं ये देखिए ये ब्लैक कीज है ऊपर काली पहली काली उसके नीचे वाले कीज से यहाँ से काउंट कीजिए एक दो तीन चार पच छ सात ठीक है सात यहाँ पे सफेद बटन है उसके बाद ये देखिए यहाँ पैटर्न ये दूसरी तरफ पैटर्न स्टार्ट हो रही है उसके बाद सेम यही बटन यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो उसको हम काउंट नहीं कर रहे उसके बाद यहाँ पे सात बटन ये हो गया पांच बटन ये हो गया कितने बटन हो गए यहाँ पे गिनिए आप एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह बटन बटनों के ये जो समूह है आपको बारह बटन दिख रहे हैं इस पर आप फोकस कीजिए ये जो बारह बटनों के समूह है इसको हम बोलते हैं सप्तक सप्तक और इसको वेस्टर्न में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्टेव तो ये जो सप्तक है ये हमारे म्यूजिक पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्पॉर्ट इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो ये बीच में दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मध्य सप्तक ये बीच का पार्ट है कीबोर्ड का इसको बोलते हैं मध्य सप्तक या इंग्लिश में बोलेंगे इसको मिडिल ऑक्टेव ठीक है ये मध्य सप्तक उसके बाद मध्य सप्तक के बाद हम ये वाले कागज को हटाते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम पैटर्न यहाँ पे जो आप पैटर्न यहाँ पे देखे थे यहां से यहां तक सेम पैटर्न आपको इधर भी दिखाई देगा ठीक है यहाँ पे भी एक दो तीन चार पांच काली है उसके बाद यहाँ सात सफेद बटन है ठीक है सेम पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो इसको बोलेंगे मध्य सप्तक इसका नाम है जो मिडिल पे है मिडिल मिडिल भाग पर जो हम फॉलो कर रहे थे उसको बोलेंगे मध्य सप्तक ये मिडिल ऑक्टो है बीच में है उसके बाद ये वाला जो सप्तक है सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे देखिए इस पे नजर डालिए ये जो सप्तक है इसको बोलेंगे मंद्र सप्तक मतलब लो ऑक्टो ठीक है ये लो ऑक्टो है ये मिडिल ऑक्टो है उसके बाद ये वाला कागज हम निकालते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको ती यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न इसी के हिसाब आप से सेम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ठीक है इसमें भी पांच काली की काली बटन है उसके बाद यहाँ सात सफेद बटन है तो इसको बोलेंगे हम तार सप्तक हिंदी में बोलेंगे तार सप्तक और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाई ऑक्टो तो ये जो है मिडिल ऑक्टो है मध्य सप्तक ये है लो ऑक्टो मंद्र सप्तक ये है हाई ऑक्टो तार सप्तक ठीक है और फ्रेंड मैं मध्य सप्तक को सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि जो भी हम गाना सुनते हैं और सिंगर्स गाते हैं वो मोस्टली मध्य सप्तक पे ही प्ले होते हैं और मध्य सप्तक पे ही गाए जाते हैं तो ये जो मध्य सप्तक है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब ऑक्टो को समझने के बाद सप्तक को समझने के बाद हम इस इन चीज़ का नेम और फंक्शन मतलब इसका क्या यूज़ होता है वो हम देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको भारतीय संगीत के हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ उसके बाद भारतीय संगीत के बाद आपको वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से भी सभी का नाम और फंक्शन अच्छे से बताऊंगा तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए कि ये अलग अलग कैसे हैं तो भारतीय संगीत के हिसाब से जो हमारी ऑक्टो या सुर स्वर जो चालू होते हैं वो होते हैं यहाँ पहली काली से ठीक है ये पहली काली से भारतीय संगीत के हिसाब से हमारा जो स्वर चालू होता है वो होता है पहली काली से तो भारतीय संगीत के हिसाब से हमारे जो इस कीबोर्ड पे या म्यूजिक पे जो स्वर होते हैं वो सात स्वर होते हैं और सात स्वर जो आपने सुना होगा जैसे ये देखिए ये पहली काली सा ये रे ये दूसरी काली के बाद ये वाले जो सफेद बटन ये है ग उसके बाद ये तीसरी काली म प, द, और ये नी ठीक है नी उसके बाद यहाँ से फिर यही पहली काली यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जो कि ये एक दूसरे सप्तक पे अभी मैंने बताया तार सप्तक की है ये मध्य सप्तक की मैंने बताया सा रे और नी। ठीक है ये सात स्वर है इसको हम शुद्ध स्वर बोलते हैं भारतीय संगीत में सात शुद्ध स्वर होते हैं आप इसे अपने नोट्स पे लिखते जाइए अपने हिसाब से समझने के लिए ठीक है सात स्वर उसके बाद उसके बाद भारतीय संगीत के हिसाब से सात शुद्ध स्वर और चार कोमल स्वर भी होते हैं चार कोमल स्वर है रे ग द, नी। तो रे, कोमल स्वर मतलब होता है कोमल मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि उसकी आवाज थोड़ी सी कम होगी कोमल होगी मतलब पहले पहले होगी समझ जाइए अब कोमल स्वर के हिसाब से इस तरह से ठीक है तो चार कोमल स्वर होते हैं रे ग ध, नी। तो ये चार कोमल स्वर होते हैं वो अलग है देखिए यहाँ सा रे ये रे है रे एक शुद्ध सर था और रे कोमल रे कोमल मतलब ये रे जो शुद्ध सर है उससे कोमल मतलब एक नोट हाफ नोट यहां से पीछे तो ये हो गया रे का कोमल यह रे शुद्ध है यह है रे कोमल ठीक है उसके बाद कोमल पर होते हैं ग तो गा कौन सा था शुद्ध स्वर में सा रे ग ये ग था तो ग का कोमल होगा ये शुद्ध स्वर है ग उससे एक पहले वाला नोट मतलब हाफ नोट पहले आधा नोट पहले इसको हम फुल नोट बोलते हैं जैसे स्केल पे अपन जा रहे हैं वो बाद में समझेंगे अगर यहां से यहां जा रहे हैं स्केल पे तो ये एक फुल नोट होता है और ये दोनों फुल नोट मतलब एक नोट के बीच में एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है एक अलग साउंड होती है उसको हम हाफ नोट बोलते हैं ठीक है तो ग का कोमल ये ग शुद्ध स्वर था और ग का कोमल हो जाएगा ये उसके पहले वाला नोट ये ग ये ग कोमल ये हो गया रे कोमल ये हो गया ग कोमल उसके बाद रे ग तो, शुद्ध सर का धा क्या था देखिए सा रे ग ठीक है ये हो गया धा तो धा का कोमल कौन सा होगा धा का कोमल ये होगा ये ठीक है ये ध शुद्ध सर है ये धा का कोमल स्वर है उसके बाद नी नी कौन सा था ये था नी। तो ये जो शुद्ध स्वर का नी है उसका नी कोमल होगा उसके पहले वाला तो ये हो गया रे कोमल ये हो गया ग कोमल ये हो गया ध कोमल ये हो गया नी कोमल रे ग ध नी ये होते हैं भारतीय संगीत के हिसाब से कोमल स्वर ठीक है उसके बाद भारतीय संगीत के हिसाब से एक होते हैं हमारे म्यूजिक पे एक तीव्र स्वर होता है सात शुद्ध स्वर हो गए चार कोमल स्वर हो गए एक तीव्र स्वर होता है जो कि है म का तीव्र होता है तो म कौन सा है शुद्ध सर में हिसाब से देखिए तीव्र मतलब आप नाम से ही समझ हो जा रहे होंगे कि तीव्र उसकी आवाज शुद्ध सर से थोड़ी सी तीव्र होगी मतलब ज्यादा होगी उसके आगे वाला नोट्स तो ये हो गया सा रे ग ये म है म शुद्ध स्वर तो म का तीव्र होगा उसके बाद वाला नोट्स ये ये हो गया म तीव्र ठीक है तो भारतीय संगीत के हिसाब से टोटल स्वर होते हैं बारह टोटल स्वर होते हैं बारह सात नहीं होते सात सिर्फ शुद्ध स्वर होते हैं उस शुद्ध स्वर को छोड़ के और भी हमारे स्वर होते हैं जैसे अभी मैंने बताया टोटल बारह स्वर होते हैं बारह यहाँ पे बटन है तो यहाँ पे बारह स्वर होते हैं ये देखिए बारह बटन भी होते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये हम हिंदी भारतीय संस्कृति के हिसाब से भारतीय संगीत के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ से चालू हो रहे हैं सब तक तो यहाँ सात शुद्ध स्वर हो गए सा रे ग म प ध नि और हो गए यहाँ पे चार कोमल स्वर रे ग ध नी और एक हो गया तीव्र स्वर तीव्र ठीक है तो टोटल हमारे संगीत पे होते हैं बारह स्वर ठीक है ये आप जान लीजिए उसके बाद अभी हम देखें मध्य सप्तक पे मिडिल ऑक्टो पे सेम चीज यहाँ पे आपको मंत्र सप्तक में भी यहाँ पे आप सेम चीज बारह स्वर होते हैं मंत्र सप्तक मतलब थोड़ा सा लो ऑक्टो ये मिडिल ऑक्टो था तो लो ऑक्टो मतलब इसका आवाज थोड़ा सा इससे कम होगा मतलब थोड़ा मोटा होगा देख यहाँ पे देखिए सा रे तो यहाँ पे भी बारह स्वर है लेकिन ये मंत्र सप्तक है लो ऑक्टो है तो इसका आवाज इस मध्य सप्तक से थोड़ा सा मतलब मोटा होगा ठीक है उसके बाद यहाँ सेम चीज तार सप्तक में भी होता है तार सप्तक में भी यहाँ पे बारह स्वर होते हैं और सेम मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से भी इसका आवाज थोड़ा सा तीव्र होगा है हाई ऑक्टो है तो इसका आवाज थोड़ा इन लोग से तीव्र होगा देखिए ये देखिए तो ये हो गया ऑक्टो और कीज का नेम इसको हम ऐसे ही देखते हैं भारतीय संगीत पे सा रे ग नी ये हो गया इसको बोलते हैं पहली काली और ये होता है सफेद बटन ठीक है ये हो गया ऑक्टो और कीज का नेम भारतीय संगीत के हिसाब से अब इसी को हम देखते हैं अपने वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक समझना हमको बहुत जरूरी है आगे मैं वेस्टर्न म्यूजिक का ज्यादा बताऊंगा क्योंकि हम यहाँ पे यहाँ पे से हम कॉर्ड सीखने वाले हैं आगे भी हम कॉर्ड का जो आगे एडवांस में जाएंगे तो कॉर्ड सीखने वाले हैं तो वेस्टर्न म्यूजिक ही उस पर काम आएगा ठीक है तो हम अब देखते हैं इसी सेम चीज को वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से आप दोनों में समझिए दोनों में आपको पता होना जरूरी है हम भारत के हैं तो भारतीय संगीत के हिसाब से भी हमको पता होना जरूरी है और वेस्टर्न के हिसाब से भी हमको पता होना जरूरी है तो अब चलिए देखते हैं वेस्टर्न के हिसाब से अब देखिए वेस्टर्न के हिसाब से भी मैंने ऑक्टो को बताया दिया था अभी आपको उसको सेम बोलते हैं ये इसको बोलते हैं मिड ऑक्टो मिडिल ऑक्टो ये है लो ऑक्टो लोअर ऑक्टो और ये हाई ऑक्टो हाइयर ऑक्टो ठीक है तीन ऑक्टो होते हैं लो मिडिल और हाई अब हम यहाँ कीस का नेम देखते हैं और ऑक्टो को समझते हैं भारतीय संगीत के हिसाब से हमारा जो स्वर है ऑक्टो है वो चालू हो रहा था यहाँ से इसको बोलते हैं पहली काली ठीक है भारतीय संगीत के हिसाब से तो यहाँ से चालू हो रहा था लेकिन अंग्रेजों ने इसको ऑक्टो को स्टार्ट किया है यहाँ से ये यह पहली काली के नीचे वाला से ठीक है ये तो यहां से इन्होंने स्टार्ट किया है और उन्होंने अपना एक पैटर्न बनाया है कि वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका जो स्वर है स्केल है या जो स्वर है जैसे यहाँ पे सारे ग म प ध धनी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से यहाँ यहाँ से होगा नीचे सफेद बटन से ठीक है सबसे पहले हम इसका नाम जान लेते हैं सफेद बटन का क्या है इन्होंने इनका नाम रखा है यहां इसको बोलते हैं सी ये है डी ये है ई e, ये है एफ ये जी ये है ए और ये है बी ठीक है तो यहां से यहां ठीक है यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जो जो बटनों के समूह है इसको हम ऑक्टो बोलते हैं वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से उसके बाद यहाँ से दूसरा ऑक्टो स्टार्ट हो जाता है तो इन्होंने नाम रखा है C D E F G A B, और यहाँ से हम इसे सारे गा में भी अगर प्ले करें तो यहाँ पे सारे ग प ध नी ऐसे हम प्ले कर सकते हैं तो इसका नाम सफ़ेद बटन का नाम यहाँ पे आपको पता चल गया C D E F G A B, उसके बाद भारतीय संगीत में जैसे आपने देखा कि शुद्ध सर थे ये एक वेस्टर्न म्यूजिक का शुद्ध सर ही है मान लीजिए ये सारे ग ध नी बताया ये शुद्ध स्वर ही है वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से तो जैसे भारतीय संगीत पे आपको कोमल स्वर थे तीव्र स्वर थे उसी प्रकार से वेस्टर्न म्यूजिक में भी यहाँ आपको इन यहाँ पे आपको मिलेंगे तो यहाँ पे जो ब्लैक की है उस ये है शाप की कहलाते इसको नेचुरल की बोलते हैं नेचुरल की है ये सफेद बटन जो आपका नाम बताया ये सफेद बटनों को वेस्टर्न म्यूजिक में नेचुरल कीज बोलते हैं साथ नेचुरल की है पांच शाप की है ठीक है शाप बोलते हैं एस एच ए आर पी शाप की इसको बोलते हैं तो इसका शाप की हम कैसे नाम रखा गया है इसको देखिए ये है सी वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से ये है सी तो सी के जो ऊपर वाला है सी के बाद वाला उसको बोलते हैं सी का शाप की ये सी है तो ये हो गया सी का शाप की ठीक है सी शाप इसको बोलते हैं शी शाप ये, ये बटन का नाम है सी ये बटन का नाम है सी शाप उसके बाद ये बटन है डी तो ये बटन का नाम क्या हो जाएगा डी शार्प ठीक है ब्लैक की को शार्प की बोलते हैं उसके बाद ये है ई तो ई का कोई की दिख रहा है क्या नहीं है ई का कोई की नहीं है। के बाद फिर एफ है तो एफ का जो है शार्प की हो जाएगा ये ये है एफ शार्प उसके बाद ये है जी तो ये हो गया जी शार्प उसके बाद ये हो गया ए तो ये हो गया ए शार्प ठीक है तो पांच यहां शाप की है शाप तो ये होगा शाप की शाप की मतलब जो नेचुरल की है या शुद्ध सर है उसके बाद वाला को बोलते हैं हम शार्प उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक में एक और नाम से जाने जाते हैं इन तो वो जो है फ्लैट शार्प मतलब नेचुरल की के आगे और फ्लैट मतलब होता है पीछे तो ये जो वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से जो ये शीशाप हमने देखा था उसको हम हाँ फ्लैट भी बोल सकते हैं सी शार्प मतलब इसका नोटेशन होता है सी के आगे हैश लगता है हैश ठीक है ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे उसको बोलते हैं सी शार्प और फ्लैट फ्लैट का मतलब जो की उसके सामने में एक, एक स्मॉल बी बी करके लगता है उसको बोलते हैं फ्लैट की तो यहाँ पे देखिए फ्लैट की भी समझते हैं अब फ्लैट की मतलब मैंने बताया उसके नोट के जो नेचुरल के उसके पीछे वाला नोट ठीक है तो ये जो सी आप हमने देखा था उसको हम बोलते हैं डी फ्लैट भी बोलते हैं डी फ्लैट ये डी है नेचुरल की में तो डी का फ्लैट हो जाएगा ये डी फ्लैट ठीक है उसके बाद यहाँ पे है ई है ई बटन तो ई का फ्लैट हो जाएगा ये ई फ्लैट उसके बाद यहाँ पे एफ है तो एफ के एफ के पहले कोई फ्लैट किस नहीं है ब्लैक किस नहीं है तो इसको हम नहीं बोलेंगे उसके बाद इसका नहीं होता एफ का उसके बाद ये होता है जी तो ये हो गया जी फ्लैट हो गया ये हो गया ए तो इसको बोलेंगे ए फ्लैट और ये हो गया बी तो इसको बोलेंगे बी फ्लैट तो मैं इतने सारे चीज इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप आगे किसी भी नोट से या कहीं से आप नोट से देखते हैं नोटेशन तो उसमें कई सारे चीज में वेस्टर्न म्यूजिक में शार्प किस हिसाब से दिया रहता है कई सारे में आपने देखा होगा वो फ्लैट किस के की हिसाब से भी दिया होता है इसलिए हमें पता होना जरूरी है आगे में देखेंगे आगे हम आने वाले क्लास में देखेंगे कि हम नोट्स कैसे पढ़ते हैं और उसे कैसे प्ले करते हैं वो भी हम देखेंगे तो हमने अभी तक देखा एक बार और रिविजन करते हैं भारतीय संगीत के हिसाब से सात स्वर होते हैं सा रे ग प प धनी और वो स्टार्ट होते हैं यहाँ पहली काली से ठीक है पहली बटन से और यहाँ सात शुद्ध स्वर के बाद चार कोमल स्वर होते हैं रे ग धनी और एक तीव्र स्वर होते हैं म तीव्र ठीक है और दो स्थाई स्वर भी होते हैं भारतीय संगीत में वो है सा और पा सा का कोई तीव्र या कोमल नहीं होता और पा का भी कोई तीव्र या कोमल नहीं होता दो स्थाई स्वर भी भारतीय संगीत पे है तो ये हो गई फ्रेंड आज की क्लास अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं जितना भी आपने पढ़ा आपने नोट्स बनाया वो घर पे आप उसको बार बार देखिए उसको जानने की कोशिश कीजिए कि आपको याद हो जाए कि यहाँ पे मध्य सप्तक है ये मंत्र सप्तक है तार सप्तक है उसको वेस्टर्न में भी इंडियन में भी उसे आप याद कीजिए या उसे समझने की कोशिश कीजिए देख के अगर उसे बार बार आप प्ले करते हैं तो आप आसानी से उसे याद कर लेंगे समझ जाएंगे तो आपको जैसे क्योंकि पियानो सीखने के लिए आपको इंटरेस्ट के साथ आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है छोरी तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसके आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे बिना प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिना प्रैक्टिस के ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा आपको तो आप उसे प्रैक्टिस करते जाइए अगर आपको प्रैक्टिस करते करते बोर भी लगता है तो भी आप ज़बरदस्ती उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उसे जल्दी से सीख पाए तो फ्रेंड्स ये हो गया आज के डे वन की क्लास अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस क्लास पे इस जो भी टॉपिक पे तो आप बगल पे क्वेश्चन एंड आंसर टैब है उस पर आप क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड आप अपने घर पे इसे पढ़िए समझिए और हम आगे वाले क्लास पे और भी टॉपिक कवर करेंगे तो धन्यवाद